आप लोकेशन देखोगे दिल गदगद हो जाएगा। ये शहर है, ये माउंटेन ही माउंटेन है, ये ब्यूटीफुल शहर, छोटा सा शहर है। और इस दोस्तों ये आंध्रा की लैंग्वेज है, इसको आंध्रा में शायद आंध्रा में तेलुगु बोली जाती है, तेलुगु लैंग्वेज है आई थिंक। और ये सिटी है, और सिटी में हम आए इस मजार में। तो मजार में लगभग वो पानी जो है तेज धूप से सूख जाता, लेकिन यहाँ का पानी सूखता नहीं है। आप कभी भी किसी भी मौसम में आ जाओ तो वजू करने के लिए ये भरा रहता है, और अंदर भी मजार में भरा हुआ है। तो भाईजान का यही कहना है, क्यों भाईजान? ऐसा ही है। और ये मस्जिद है, बाप रे, बहुत खूबसूरत लोकेशन पे। दो सौ दो सीढ़ी ये काफी ऊंचाई है, और यहाँ उस ऊंचाई से हम आपको शहर दिखाएंगे। ये है आंध्रा, आंध्र प्रदेश का लोकेशन है, और यहाँ भी पहाड़ हैं। दोपहर के बज रहे हैं समथिंग एक, धूप बहुत अच्छे से निकली हुई है, ऊपर एक मजार है। वही मजार पर आए हम, लगभग इसकी सीढ़ियां 200 से ऊपर हैं, 200 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। और जो सीढ़ियां हैं चौड़ी वाली हैं ऐसे, तब काउंट हो सकती है। सांसें तेज हो गई हैं। हो देखोगे पहाड़, ऊपर गाय हैं। बस पहुंचने वाले हैं, यहाँ गाय बैठी है, चढ़ी गए हम फाइनली। सीढ़ी नंबर 204। सीढ़ी नंबर 205, ये 205 लंबी सीढ़ी है, यहां भी 205 लिखा हुआ है। अब 206, ये सिटी।
जैसे ही आप गूगल पे डालोगे तो आपको यही मजारी दिखाई देगी। मतलब बहुत खूबसूरत गूगल पर इसके फोटोज लगे हुए हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है मजार। कोई भी रिलीजन स्पिरिचुअल चीज जो होती हैं वो थोड़ी दूर रहती हैं, पहाड़ों पे होती हैं, चाहे वो मोनेस्ट्री हो, चाहे वो मजार हो, चाहे वो टेंपल हो। मजार पहुंच रहे हैं हम, अच्छा लग रहा है। वो ठंडी हवा आ गई, शुक्रिया शुक्रिया। फाइनली हम मजार में पहुंच गए। यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता है, ये देखिए मैं इधर से चढ़ूंगा क्योंकि जूते पहन रखे हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज़ जूतों पहन के उधर चढ़ी जाए, इसलिए मैं साइड से चढ़ रहा हूँ। सम्मान बहुत ज़रूरी है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी रहती हैं चीज़ों से, तो बेहद जरूरी है उनकी आस्थाओं का ख्याल रखें। ये आप लोकेशन देखोगे दिल गदगद हो जाएगा। ये शहर है, ये माउंटेन ही माउंटेन है, ये ब्यूटीफुल शहर, छोटा सा शहर है और इसका नाम है इच्छापुरम। ये आप कह सकते हो ये पर दिखोगे, ऐसे मैं उंगली दिखा रहा हूँ, वहाँ वास्तव में कोई मतलब मूर्ति है। और उधर की आप देखोगे पानी है, समुद्र है, बेहद लुहावना वो है ये जगह। और ये मजार, पहले तो हाँ दोस्तों, ये आंध्रा की लैंग्वेज है, इसको आंध्रा में शायद आंध्रा में तेलुगु बोली जाती है, तेलुगु लैंग्वेज है आई थिंक। और ये सिटी है, और सिटी में हम आए इस मजार में। तो मजार में लगभग 200 से एबव, तो वहाँ से गिन रहा था कि 206 सीढ़ी, लगभग आप मान लो 212 या 215 के समथिंग सीढ़ियाँ आएँ। और ये मजार ये इस पहाड़ी पर स्थित है, और आप इस मज़ार को देखोगे तो मैं आपको दिखाऊं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी थे अल्लाह के वाले वो यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने आया करते थे। ये खुल भी सकती है क्या? देखो खुल भी रही है। और इनकी ये मज़ार है यहाँ, वो इस सिटी से जैसे कि आप देख रहे हो इस नज़दीक को, ये जो है वजू करने के लिए पानी है, यानी कि आप
अपने जैसे बजू का होता है हाथ पैर धोना, उसको बजू कहते हैं अपने। इनके रिलीजन के अकॉर्डिंग उनको बजू नाम रख दिया है। यहाँ वो पानी वानी से अपना बजू करके और फिर नमाज पढ़ते थे, उन्हीं की ये मजा आ रहा है। शहर से दूर है और बाहर से दिखाऊँ बहुत खूबसूरत है, मैं इसको गेट लगा देता हूँ। तो जैसे कि हिंदू में पुजारी भक्त, मुस्लिम रिलीजन में अल्लाह के वाले, तो ये देखो अब इस सिटी को देखो कैसे, उधर मंदिर है और मंदिर से भजन सुनाई दे रहे हैं, ये सिटी है। इस तरीके से मजा आ रहा है ये, बेहद अच्छी लगी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बेशक धूप है बाहर लेकिन हवाएं बहुत ठंडी हैं। जैसा कि देख रहे हो ये बाहर से इतनी खूबसूरत लग रही है और अभी शायद लगता है पेंट किया हुआ है रिसेंटली, तो और ही आकर्षक लग रही है पता है। अब बाहर का जो अंदर का जो हमने पानी दिखाया था उस पानी को हम यहाँ भी देखते हैं। और जो जनाब मुझे लेके आए हैं उनका ये कहना है कि सर ये जो पानी ऐसा नहीं है बारिश का पानी है, बारिश का पानी नहीं है, अगर बारिश का पानी होता तो हम नीचे से भी आए तो शायद वो पानी जो है तेज धूप से सूख जाता, लेकिन यहाँ का पानी सूखता नहीं है। आप कभी भी किसी भी मौसम में आ जाओ तो वजू करने के लिए ये भरा रहता है और अंदर भी मजार में भरा हुआ है। तो भाईजान का यही कहना है, क्यों भाईजान ऐसा ही है? ये देखो ये बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है, अगर आपको यहाँ नमाज पढ़नी हो यहाँ से आप धुल के वजू करके सॉरी और नमाज, वो मस्जिद है इबादत का नहीं है, वो मस्जिद है। चलिए मस्जिद चलते हैं। और यहाँ आप देखोगे यहाँ आशिकों के नाम लिखे हुए हैं, मोहिनी हरिका और पता नहीं क्या क्या लिख गए हैं। देखो इन लोगों ने अपने अपने सरिता अरे पता नहीं क्या क्या है, इन्होंने अपने अपने नाम लिख रखे हैं। बताओ ऐसी जगह पर नाम लिखना कितना गलत बात है, ये पवित्र जगह है बताओ, नेकी करने का ये है। लेकिन लोग नहीं छोड़ते इन नेकी वाली जगहों को भी, बताओ क्या कर सकते हैं अपने यूथ को। ये मस्जिद है क्यों जी? अब आप देखोगे ये मस्जिद है, शायद ये अभी इसमें कोई आता है पुताई नहीं हुई शायद इसकी होगी, क्यों ये मस्जिद है। बाप रे बहुत खूबसूरत लोकेशन पे, इतनी पहाड़ पे क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल बैठ के आराम से इबादत करो, ये बहुत अच्छी लोकेशन है, ऐसा लग रहा है कि यहीं रहें शाम तक, जाने का मन नहीं करता। हाँ
ये बोर्ड है। बोर्ड जी, ये इच्छापुर का एक कोई लोकेशन का ऐसा बोर्ड होता है, वही है डाला हुआ। अच्छा, इस पे भी चढ़ने का रास्ता है वो कहीं ना कहीं? नहीं है रास्ता, नहीं नहीं है। बच्चे लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन जो 18 साल 19 साल का लड़का जो है वो गाछ पकड़ पकड़ के, पत्थर पकड़ पकड़ के चल जाते हैं। किसी ने तो रखा होगा, वही बात है ना, रखने वाला को कैसे। कितनी बड़ी बोर्ड है वो देखिए ना, पहले चढ़ने का रास्ता भी नहीं, कोई पहुंचा भी गया उस बोर्ड को। ये सिटी है, पता नहीं चल, पता नहीं चल रहा है। ये मजार है, ये मस्जिद है और काफी शांत प्रिय जगह है, शहर से दूर है। और सामने जो दिख रहा है, जो माउंटेन दिख रही है, दिखाइए जो माउंटेन दिख रही है, वो भी कोई मंदिर है। अब पता नहीं ये हिंदू मंदिर है या क्रिश्चियन लोगों का है, वहाँ जाकर ही पता करेंगे। वैसे कितनी डिस्टेंस होगी उसकी? कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से काफी दूर जाना पड़ेगा, नीचे उतरना है, फिर उसके बाद उतना फिर पार करना है, फिर उसके बाद फिर पार करना है। यहाँ से कम 6 किलोमीटर, 6 से 6 के आसपास होगा।